साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल स्कूल खेल महाकुंभ 2019 में अंडर वर्ष 14 और 17 अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करने वाली टीम में 5 खिलाड़ी पलवल जिले के गांव असावटी स्थित दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं। इस प्रतियोगिता से पहले दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल असावटी की अंडर वर्ष 14 व 17 टीम ने जिला व राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के दम पर ही स्कूल की अंडर वर्ष 14 और 17 टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन किया गया। टीम में चयन होने वाले खिलाड़ियों में अंडर वर्ष 14 में ईश्वर ठाकुर, जीतू रावत, अंशुल सिंह व मुश्ताक खान का चयन हुआ था। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। अंडर वर्ष 14 की टीम में खेलने वाली टीम में स्कूल के 2 छात्रों दक्ष और कश्यप व विकास रावत का चयन किया गया। दोनों टीमों में दोनों ही आयु वर्ग में खेलने वाली टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। स्कूल प्रबंधन ने खिताब जीत कर लॉटरी टीम के सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। स्कूल के चेयरमैन कुलदीप कौशिक ने बताया कि इस बार भी हर बार की तरह स्कूल के बच्चों ने जिले से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने देश, गांव और स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को फूलमालाएं डालकर और मिठाई खिलाकर के सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के संचालक जगदीश कौशिक व प्रधानाचार्य गोपाल चौहान, पीटीआई मुकेश रावत वे राजवीर सहित स्कूल के सभी अध्यापक मौजूद रहे। ये इंडो नेपाल स्कूल खेल महाकुंभ ये काठमांडू नेपाल में अभी आयोजित हुआ 11, 12, 13 अप्रैल को, तो उसमें जो हमारे 5 जो स्कूल के बच्चे थे अंडर 14 उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले स्टेट और जो है नेशनल स्तर पर इन्होंने गोल्ड मेडल लिया और उसके आधार पर इन 5 बच्चों ने अंडर 14 जो है मेरे दीप स्कूल असावती से 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें वहाँ इनकी 5 टीमें जो विदेशी टीमें थी उनमें जैसे नेपाल, काठमांडू, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, उनसे ये जीत कर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और उसमें ये जो कैप्टन हमारे कैप्टन जो ट्रॉफी है वो भी हमारे स्कूल के इस बच्चे को मिली, ईश्वर इनका नाम है। और अंडर 14 जो है ये ग्रुप मतलब टीम कैप्टन थे, तो इनको जो कैप्टन जो ट्रॉफी है वो इनको मिली। और ये बच्चे अंडर 17 में ये विकास और अपने स्कूल से जो है दक्ष विशाल जो है दक्ष कश्यप और विकास जो है, तो ये स्कूल के बच्चे हैं। ये दीप स्पोर्ट्स क्लब असावटी में जो दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है क्लब है उसमें ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। और इनके लिए कोच जगदीश कौशिक जी और एक पीटीआई मुकेश जी। आगे क्या प्रक्रिया? अभी ये बच्चे जो गोल्ड मेडल लिया ये थाईलैंड में जाएंगे, तो 4 बच्चों का थाईलैंड सिलेक्शन है। ये 8 मई को थाईलैंड में इनका कंपटीशन है और सारा खर्चा जो फ्लाइट का है वो सरकार वहन करेगी। और अभी इनको 45,000 रुपये इनकी टीम को दिया और 12,000 कैंडिडेट स्कॉलरशिप मिली है हर विद्यार्थी को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे देश के लिए भी, बच्चों के लिए, पूरे ज़िले के लिए और गांव के लिए भी कि उसमें इन बच्चों की उपलब्धि के लिए। और ये दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पैट में भी बहुत अच्छा करता रहा है पहले से भी, तो स्पोर्ट्स का नंबर 1 स्कूल है हरियाणा में। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अभी इनके लिए जो हम मैट अभी मैट लाएंगे स्कूल में, तो मैट का प्रबंध करके बच्चे प्रैक्टिस मैट पर करेंगे क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस होती है वो मैट पर होती है। नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करने वाली टीम के कप्तान ईश्वर ठाकुर ने बताया कि काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल स्कूल खेल महाकुंभ 2019 में उनकी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। अंडर वर्ष 14 की टीम के खिलाड़ी ईश्वर और मुस्ताक, साथ ही अंडर वर्ष 17 में दक्ष और विकास का चयनित किया गया जो कि थाईलैंड में 8 मई को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। नेपाल काठमांडू में इसकी प्रतियोगिता की गई थी, वहाँ पर बहुत तरह की मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल की टीम आई थी, उनसे हम जीत कर गोल्ड मेडल लिया था हमने। और वहाँ पे हमारे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था थाईलैंड के लिए, 2 बच्चे हमारे अंडर 17 के थे, 2 अंडर 14 के थे। और वो जो हमारा सिलेक्शन हुआ था थाईलैंड के लिए उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी।